हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट इस वीडियो में हम लोग क्लास एट चैप्टर वन एनएसओ के क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन टू ट्वेंटी को डिस्कस करने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन से क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है तो देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं फोमीगेंस आर केमिकल्स दैट कील और रिपेल पेस्ट विदाउट एफेक्टिंग स्टोर्ड ग्रेन्स ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है फोमिकेशन का मतलब क्या है इट इज़ अ मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल और रिमूवल ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय कम्प्लीटली फीलिंग एन एरिया विथ गैसियस पेस्टिसाइड्स ये एक मेथड है जिससे कि हम लोग पेस्ट को कंट्रोल करते हैं और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाय फिलिंग द एरिया विथ गैसियस पेस्टिसाइड्स जिसमें कि गैसियस पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है अभी सेकंड स्टेटमेंट वाटर लॉजिंग डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉयल दैट डिक्रीज सॉयल फर्टिलिटी ये जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि वाटर लॉजिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉयल ये क्या करता है सॉल्ट के कंटेंट को इंक्रीज करता है देखिए ये जो वाटर लॉजिंग है इट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट ये गलत है ये इंक्रीज करता है सॉल्ट के अमाउंट को और क्या बोला गया है इट इंक्रीज सॉयल फर्टिलिटी ये भी गलत है इट रिड्यूस द सॉयल फर्टिलिटी पहले जान लेते हैं कि वाटर लॉजिंग का मतलब क्या है वाटर लॉक हो जाना मतलब क्या है वाटर लॉजिंग ऑकर व्हेन देयर इज टू मच वाटर इन द प्लांट्स रूट जोन अगर प्लांट्स के रूट में बहुत ज़्यादा पानी जमा होके रह जाएगा मतलब पानी एक जगह पे कॉन्स्टेंटली रह जाएगा वाटर के रूट्स में सॉरी प्लांट्स के रूट्स में उससे हम लोग वाटर लॉजिंग बोलते हैं इट ओबियसली डिक्रीज द सॉयल फर्टिलिटी और प्लांट्स के समटाइम्स डेथ का भी कॉज यही होता है अगर एक प्लांट को हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे तो वो इवेंचुअली डेथ कर जाएगा इसीलिए वाटर लॉजिंग इंक्रीज द सॉल्ट कंटेंट एंड डिक्रीज़ द सॉयल फर्टिलिटी ये सही होना चाहिए था तो सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है अभी चलते हैं ऑप्शन थ्री फर्टिलाइजर्स आर नॉट रेडीली सॉलेबल इन वाटर सो दे आर एबजॉर्ब्ड बाय द प्लांट स्लोली ये तो बिल्कुल ही गलत है फर्टिलाइजर्स आर सॉलेबल इन वाटर एंड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट एंड इंक्रीज क्रॉप यार्ड फर्टिलाइजर और मैन्योर दोनों ही सॉयल में आराम से मिल सकते हैं एंड दे आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स ऑल्सो समझ में आया तो सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट रस्ट ऑफ व्हीट इज़ ए फंगल डिजीज़ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है रस्ट ऑफ व्हीट एक फंगल डिजीज़ ही है अभी ऑप्शन फाइव द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर डिसिमिलर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड वन एप्टर द अदर इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग देखिए ये जो मिक्सड क्रॉपिंग किया जाता है ये अलग अलग क्रॉप को लगाया जाता है बट नॉट वन एप्टर द अदर बट साइमल्टेनियसली एक साथ जैसे कि हम लोग आगे के एक क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कि एक रो व्हीट एक रो लिग्यूम वाले प्लांट को लगाया गया था दैट इज़ कॉल्ड मिक्सड क्रॉपिंग जिसमें कि ये लोग क्या हेल्प करते हैं ये लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे के न्यूट्रेंट को फुलफिल करने में समझ में आया ये जो वन एप्टर द अदर बोला गया है ये गलत है अगर यहाँ पे सैमल्टेनियसली दिया गया रहता तो ये सही होता तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ वाला स्टेटमेंट सही है अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप एप्टर इट हैज मैच्योर्ड इज कॉल्ड एज एक्स ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है एक्स एप्टर दिस ग्रीन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द क्रॉप बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज वाई Z is the process of separating the hay and chaff from the grain. Which of the following statement is or are correct regarding X, Y, Z? पहले हम लोग कर लेते हैं X, Y, Z क्या है? The cutting and gathering of crop after it has matured is called as क्या होगा? Harvesting जो कि manually अगर करते हैं तो cycle से किया जाता है और इसके लिए अभी machines भी आ चुके हैं। उसके बाद next सेकेंड एफ्टर दिस द ग्रीन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द क्रॉप बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वाई क्या किया जाता है ये प्रोसेस कौन सा है ग्रीन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ बाय पहले सो हाथ से ही किया जाता था ऐसे एक पत्थर में उसे पटका जाता था दैट इज़ कॉल्ड एज थ्रशिंग उसके लिए भी आजकल मशीन्स आ चुके हैं और इसे मैनुअली भी पहले किया जाता था उसके बाद नेक्स्ट जेड इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हे एंड चाफ फ्रॉम द ग्रेन्स ग्रेन के साथ जो जो लाइटर कंपोनेंट होंगे उन्हें ग्रेन से अलग कैसे करते हैं हम लोग थ्रू विनोइंग बाय द हेल्प ऑफ विंड क्लास सेवेंथ में भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में तो Z हो जाएगा विनोइंग इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे ज, अभी ऑप्शंस को देख लेते हैं ऑप्शन ए देखिए Z इज डन विद द हेल्प ऑफ विंड यस परफेक्ट विनोइंग को हम लोग विंड के हेल्प से करते हैं इन विच ग्रेन अलोंग विद द हस्क इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट एक हाइट से उन्हें डाला जाता है जो लाइटर कंपोनेंट होते हैं वो दूर चले जाते हैं और हेवियर कंपोनेंट नीचे ही गिर जाते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है ए अभी ऑप्शन बी एक्स इज़ डन मैकेनिकली बाय कॉम्बाइन एंड मैन्युअली बाय प्लो एंड हैरो एक्स जो है हार्वेस्टिंग है जो कि मशीन से तो किया जाता है बाय कॉम्बाइन ये गलत है और मैन्युअली बाय प्लो एंड हैरो प्लो एंड हैरो से नहीं सिकल से किया जाता है प्लो और हैरो तो हम लोग क्या वीड्स को निकालने के लिए और प्लोइंग और टिलिंग ऑफ सॉइल के लिए हेल्प करता है तो ये सेकेंड वाला गलत है ऑप्शन सी एक्स इज़ द प्रोसेस नोन एज थ्रशिंग ये बिल्कुल ही गलत है एंड वाई इज़ द प्रोसेस नोन एज विनोइंग ये भी गलत है उल्टा कर लिया है तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन अ फ्यू हेल्दी ग्राम सीड्स आर प्लेस्ड इन ईच ऑफ द थ्री पॉट्स एक्स वाई और जेड चलिए अभी तीन पॉट्स ले लगते हैं कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ सॉयल और उसमें कुछ हेल्दी ग्राम सीड्स को डाल देते हैं द दॉयल इन पॉट एक्स इज़ मिक्स्ड विथ सम ग्रीन लिप्स जो सॉयल एक्स है उसके साथ एडिशनल क्या है ग्रीन लिप्स है उसके बाद द दॉयल इन पॉट वाई इज मिक्सड विथ ओल्ड कावडंगइल द पॉट जेड इज मिक्सड विथ यूरिया तीनों पॉट में सॉयल और ग्राम सीड के साथ साथ एक में ग्रीन लीफ एक में कावंग और दूसरे में यूरिया डाल दिया जाता है पॉट्स आर वाटर रेगुलरली एंड गिवेन प्रॉपर एन्वायरमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ तीनों में अच्छे से पानी डालेंगे अच्छे से ग्रोथ भी होगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑब्जॉर्व्ड एफ्टर टेन डेज देखिए पहले तो क्या होगा हम खुद सोचते हैं देखिए सॉयल जो एक्स है उसमें सॉयल और लीप्स है ग्रीन लीप्स मतलब ये एक मैन्यर डाला गया है ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्लांट और एनिमल के रिमेनिंग से बनता है उसके बाद वाई वाला जो सॉयल है उसमें सॉयल और काउडंग है ये भी एक मेन्योर है और जेड वाला जो सॉयल है उसमें सॉयल प्लस यूरिया है जो कि एक फर्टिलाइजर है उसके बाद हमें पता है जो मेन्योर होता है वो सॉयल के रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रेंट में हेल्प करता है बट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये लोग सॉयल के न्यूट्रेंट को रिप्लेनिश रिप्लेनिश मतलब कंटिन्यू नहीं रखते एक बार में यूज़ हो गया उसके बाद ख़त्म ये लोग सॉयल के नेचुरल फर्टिलिटी को भी डिक्रीज़ करते हैं बट मैन्योर ऐसा नहीं करता इसीलिए कहा जाता है जितना कम हो सके हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना चाहिए जितना हो सके हमें मैन्योर को यूज़ करना चाहिए अभी ऑप्शंस को देख लेते हैं ऑप्शन ए लॉट ऑफ ग्रोथ इन जेड विथ रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑल द न्यूट्रेंट्स ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि Z में तो यूरिया है एक फर्टिलाइज़र है ऑप्शन बी लॉट ऑफ ग्रोथ इन X विदाउट रिप्लेनिशमेंट ऑफ एनी न्यूट्रेंट X में तो ग्रीन लिप्स था जो कि एक मेन्यर है उसमें कुछ तो रिप्लेनिश होगा ये भी गलत है ऑप्शन सी लॉट ऑफ ग्रोथ इन वाई विथ रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रेंट ये ऑप्शन बिल्कुल सही है जिसमें कि सॉयल और काउडंग था जो कि एक ऑर्गेनिक मेन्योर है समझ में आया अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की ओर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आर गिवन बिलो रैंडमली एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिस है जो सेवेंटो तो स्टेप होते हैं उन्हें रैंडमली टेन स्टेप्स में नहीं नाइन स्टेप्स में दे दिया गया है जिन्हें हमें सीक्वेंस ऑर्डर में लिखना है तो ये तो हमें पता है पहले क्या होगा पहले होगा प्लॉइंग मतलब टिलिंग ऑफ सॉयल उसके बाद उसके बाद क्या किया जाएगा लेबलिंग किया जाएगा जो बड़े बड़े सॉइल के क्रम्स होंगे उन्हें पूरा मतलब लेबल किया जाएगा उन उ, उन क्रम्स को उन्हें पूरा छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके थर्ड आ जाएगा सोइंग सोइंग मतलब पुटिंग द सीड्स इन द सॉयल एट रेगुलर डिस्टेंस उसके बाद आ जाएगा इरिगेशन सीड को लगाने के बाद हमें पानी देना पड़ेगा उसके बाद एडिंग फर्टिलाइजर जो भी सॉइल में कमी है उसके अगेंस्ट में हम उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे उसके बाद उसके बाद आएगा वीडिंग वीडिंग मतलब हमारे मेन प्लांट के साथ साथ जो जो अनवांटेड प्लांट होंगे उन्हें हम लोग निकाल लेंगे उसके बाद क्या करेंगे क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे इंसेक्ट से वीड्स से सभी से उसके बाद क्या आएगा क्रॉप अच्छे से ग्रो होने के बाद हार्वेस्टिंग करेंगे और उसके बाद सॉर्टिंग ऑफ सीड्स सीड्स को नेक्स्ट एग्रीकल्चर के लिए फिर अच्छे से रखेंगे समझ में आया ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अ पर्टिकुलर रीजन सो ए पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिंग येलो एंड ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन द ग्राउंड एक पर्टिकुलर रीजन में क्या देखा गया कि अल्टरनेट रो ऑफ येलो और ब्लैक स्ट्रिप दूर से दिखाई पड़ रहा है ग्राउंड से मतलब ऊपर से सोचिए द येल्लो स्ट्रिप्स कंसिस्ट ऑफ लैंड कवर्ड बाय राइपनिंग व्हीट ये जो येल्लो येल्लो ऊपर से हमें दिखाई पड़ रहा था ये लोग क्या पके हुए व्हीट हैं मतलब हार्वेस्टिंग के लिए पूरा तैयार हैं और जो ब्लैक कलर स्ट्रिप्स थे वो थे आर बेयर सॉयल ऑन विच नो क्रॉप इज ग्रोन बट फार्मर यूज हर्बिसाइड्स और टिलेज टू रिमूव एनी व्हीट दैट आर ग्रोन इन दैट रीजन बट फार्मर क्या करता था जो ब्लैक वाला स्ट्रिप है जहाँ पे कि कोई प्लांट नहीं है वहाँ टिलिंग करता था और रिमूविंग ऑफ वीड्स वहाँ पे जो अनवांटेड ग्रास आ जाते थे उन्हें निकाल लेता था वाई डू फार्मर्स इन दिस रीजन मैनेज सॉयल इन दिस वे क्यों ऐसे किया जाता है बोल के पूछा गया है अभी देख लेते हैं क्यों ऐसा किया जाता है देखिए हमें जैसे कि पता है अगर हम लोग एक बार एक सॉयल में कोई भी क्रॉप को ग्रो करने के बाद उस सॉयल को अगर एक दो साल के लिए बेयर ही छोड़ रहे हैं इसका मतलब क्या है हम चाहते हैं कि उस सॉयल का न्यूट्रेंट रिप्लेनिशमेंट अपने आप हो जाए टाइम के साथ साथ ऑटोमेटिकली सॉयल अपने न्यूट्रेंट लेवल को फिर इंक्रीज कर ले इसीलिए उस ज़मीन को हम लोग बेयर कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं जैसे स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कल्टिवेशन करने के बाद मतलब क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद जो बचा कुचा होता है उनमें आग लगा दिया जाता है उसके बाद सॉयल को उस जले हुए प्लांट्स के साथ मिक्स कर लिया जाता है ताकि सॉयल अपने न्यूट्रेंट लेवल को फिर से रिप्लेनिश कर पाए अभी ऑप्शंस को देख लेते हैं ऑप्शन ए ऑप्शन ए है फार्मर पुट द हाफ ऑफ देयर लैंड टू रेस्ट फॉर मिनिमाइजिंग इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन ये तो बिल्कुल भी गलत है सॉइल इरोजन जहाँ पे प्लांट नहीं है वहाँ सॉइल इरोजन तो ज़्यादा होता है समझ में आया प्लांट्स क्या करते हैं होल्ड करते हैं अपने रूट से सॉयल को जितना ज़्यादा प्लांट होगा उतना सॉइल इरोजन कम होगा तो ये गलत है सेकेंड ऑप्शन फार्मर्स डिस्करेज ट्रांसपीरेशन इन द व्हीट प्लांटेशन बाय अलाउिंग फ्री एब्रेशन फ्रॉम द सॉयल ऑफ द बेयर स्ट्रिप्स ये तो बिल्कुल भी गलत है ट्रांसपीरेशन को उस बेयर सॉयल से फार्मर चाहता है वहाँ से हो नॉट फ्रॉम द प्लांट्स ये भी गलत है थर्ड ऑप्शन फार्मर्स आर एलाइविंग लैंड टू नेचुरली रीगेन द न्यूट्रेंट फॉर वन और मोर सीजन्स ये जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है फार्मर चाहता है कि वो जो सॉयल है वो ऑटोमेटिकली अपने न्यूट्रिएंट लेवल को एनरीच करे अपने आप वो इंक्रीज करे तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है आप लोग भी कर लीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग टेक केयर